आज दिल के दौरे के मामले पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं और ऐसे में CPR ही एकमात्र प्राणरक्षक उपाय है। दुर्भाग्य से केवल 2% भारतीय ही CPR प्रक्रिया के विषय में जानते हैं। तो आइए जानते हैं CPR की प्रक्रिया क्या है और यह कैसे मरीज की जान बचा सकता है। एक बार दिल का दौरा पड़ने पर मरीज के लिए हर सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहरहाल आपके हाथों में है किसी की भी व्यक्ति की जान बचाने की अद्भुत शक्ति, तो CPR अपनाइए। सबसे पहले मरीज की जांच करें, उसके कंधों को थपथपाकर पूछिए कि क्या आप ठीक हैं। अगर आपको मरीज की सांस चलती हुई न दिखाई दे, नाड़ी की गति न सुनाई दे या शरीर में कोई हरकत न हो तो समझिए यह एक गंभीर स्थिति है। 108 नंबर पर तुरंत फोन करें। अपने फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर उन्हें बताएं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो सांस नहीं ले रहा है। इसके बाद चेस्ट कंप्रेशन शुरू करें। अपनी हथेली के उभरे हुए हिस्से को उसकी छाती के बीचों बीच रखें, यानी निपल्स के ठीक नीचे। अब अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर रखकर दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लें। अपनी दोनों बाहों को बिल्कुल सीधा रखें और अब अपने दोनों हाथों को छाती पर 5-6 सेंटीमीटर भीतर तक जोर से दबाएं। प्रति मिनट 100-120 बार इसी तरह छाती पर दबाव डालते रहें। ध्यान रखें दूसरा कंप्रेशन देने से पहले छाती को पूरी तरह ऊपर आने दें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक चिकित्सा सहायता न पहुंच जाए। दिल का दोहरा किसी भी व्यक्ति को कभी भी पड़ सकता है, इसलिए तैयार रहें किसी का जीवन बचाने के लिए। CPR को हाँ कहें और दिल के दौरे ग्रस्त मरीज के चेहरे पर जीवन की मुस्कान लाएं।